बेटा देख, मैं तेरी बात समझ गया, लेकिन सेंटीमेंट्स आ गए बेटा, तू मुझे लिख के दे। मैं बेटा अपने बोलने तो दे, बोले तू मुझे लिख के दे, मैं तेरी बात सरकार तक पहुंचाऊंगा। अपना करियर खराब मत कर मेरे बेटा, लोगों की बात में यहाँ पता क्या बेटा को खर्चा करने दे। मैं तेरे बाप के बराबर हूँ, तेरा करियर खराब हो जाएगा, तेरी बात पहुंच गई। ये वीडियो हरियाणा के पानीपत का है। पानीपत में उस वक्त सब भावुक हो गए जब एक प्रदर्शनकारी एक अधिकारी के कंधे पर सर रखकर रोने लगा और बोला, अंकल इस अग्निपथ को बंद करवा दो, 4 साल से फौज की तैयारी कर रहा हूं, करियर खराब हो जाएगा। अग्निपथ के विरोध के दौरान उस वक्त लोग हैरान रह गए जब एक प्रदर्शनकारी युवा डिप्टी मजिस्ट्रेट के गले लगकर रोने लगा और अधिकारी से बोला, अंकल अग्निपथ को बंद करवा दो, अगर नहीं बंद हुआ तो मैं कभी फौजी नहीं बन पाऊंगा। वहीं अधिकारी भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने युवक को दिलासा देते हुए कहा, बेटा तुम लिखित में ज्ञापन दो, सरकार तक मैं तुम्हारी बात पहुंचाऊंगा। बेटा देख, मैं तेरी बात समझ गया, सेंटीमेंट्स आ गए बेटा, तू मुझे लिख के दे। मैं बेटा अपने बोलने तो दे, बोले तू मुझे लिख के दे, मैं तेरी बात सरकार तक पहुंचाऊंगा। अपना करियर खराब मत कर मेरे बेटा, लोगों की बात में यहाँ पता क्या बेटा को खर्चा करने दे। बेटा मैं तेरे बाप के बराबर हूँ, तेरा करियर खराब हो जाएगा, तेरी बात पहुंच गई। इस दौरान एक नहीं बल्कि कई युवाओं ने अपनी व्यथा अधिकारी को सुनाई। अधिकारी ने पूरे संवेदना के साथ उनकी व्यथा को सुना और कहा कि वो उनकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, वो कानून को अपने हाथ में न ले और वो चुपचाप विरोध प्रदर्शन करने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से घर जाएं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। सुनिए ये पूरा वीडियो, देखिए आपको समझ में आ जाएगा पानीपत में आखिर क्या कुछ हुआ जो इस वक्त इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। बेटा देख, मैं तेरी बात समझ गया, सेंटीमेंट्स आ गए बेटा, तू मुझे लिख के दे। मैं बेटा अपने बोलने तो दे, बोले तू मुझे लिख के दे, मैं तेरी बात सरकार तक पहुंचाऊंगा। अपना करियर खराब मत कर मेरे बेटा, लोगों की बात में यहाँ पता क्या बेटा को खर्चा करने दे। बेटा मैं तेरे बाप के बराबर हूँ, तेरा करियर खराब हो जाएगा, तेरी बात पहुंच गई। बेटा मैं सरकार आपने कानून का पालन किया, कुछ नहीं होगा, हिम्मत क्यों हार रहा है? परंतु ऐसा क्यों मत करो, आप कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। आपने आपका पूरा ध्यान रखेंगे, अपना अपना जो रिपोर्ट है वो लिख बेटा, ये सिक्योरिटी का काम है, इसमें हमको कुछ नहीं होने वाला। अगर आप शांति से घर जाना चाहोगे आप उनको टेंशन मत लो, और अगर आप कानून हाथ में लोगे तो फिर कानून तो अपना काम करेगा बेटा, इसमें क्या बुरा मानने वाली बात है? ठीक है ना, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तुमने कानून का पालन किया, अपना प्रदर्शन कर लिया, तुम्हारी बात सरकार तक पहुंच रही है, इसमें परेशानी क्या है? आप अपना लेकर में मुझे दो, मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा आपकी बात। 10 साल को लिए कम से कम 9 साल 6 महीने 1 महीना कुछ मतलब कुछ करता, मैंने नौकरी की तैयारी करनी आ गया, आर्मी की इतना मैंने तैयारी करी, 4 साल की भर्ती मिलेगी, महीना भर्ती में लाग दूंगा, 6 महीने ग्रेजुएट करके आऊंगा, मैंने सोचूंगा भाई मैं लाग गया, लेकिन उसके बाद क्या टेंशन होगी, अरे कभी 4 साल पीछे मैं भी लिख दूँ, 25 महीना से लेटर लिख रहा हूँ जी, मैं 25 साल का, मैं 21 साल का हूँ, 25-26 साल का मैं निकल का आऊंगा, 25-26 का निकल का मैंने 12th करा कि ग्रेजुएशन तो मैंने करी नहीं, आर्मी में ज्वाइन हो गया तो मैं ग्रेजुएशन आगे करूंगा, 2-3 साल की ग्रेजुएशन हो गई, ग्रेजुएशन करके मैं 30 साल का नौकरी कहाँ छोड़ूंगा? सरकार की जो पॉलिसी मेकर है ना, उन्होंने सबका, मैं ये नहीं कहता सरकार ने कुछ सोच समझ का पॉलिसी बनाई है। आप जब आप बोल रहे थे मैं सबका सुन रहा था, अब थोड़ा अपने आपकी अपनी मेच्योरिटी दिखा बेटा, मैं बोलने लगा तो आप मुझे बोलने भी नहीं देते। जो सरकार ने अगर आपके भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ सोचा होगा, कुछ समय तो दो सरकार को भी, आपने अपना प्रदर्शन कर लिया, ये अगर सरकार ने अगर डिसीजन लिया है तो आपका आपका भी बात सरकार तक पहुंच रही है, तो थोड़ा सा संयम तो रखो,
कानून को अपने हाथ में लेने का क्या फायदा बेटा? ठीक है, इसलिए आपसे निवेदन है जो आप कह रहे हो, सरकार तो बहुत कुछ सोच रही है हमारे बारे में, तो इतना आवेश में मत आ बेटा, आपकी बात पहुंचाएंगे। ठीक है, मेरा आपसे निवेदन है कि शांति को बनाए रखो। ये तो जबरदस्ती करता भाई, तो खाए कि तू ही आ गई कमरा।